साम्राज्य विषय में पढ़ी जहाँकि 1526 रु 1707 पर्यंत तांकर समय थिला नहीं कि तले एटी पांच जन मुख्य सम्राट को विषय आम पढ़ा अकबर थिले सबुठारु श्रेष्ठ सम्राट आम पढ़ीचे आउ लास्ट किछि पुणी आउ थरे अकबर को विषय टिके देखि दबा तापर जहांगीर को विषय जानिबा आउ जहांगीर को परे शाहजहां तापर औरंगजेब को विषय जानिबा। देखो अकबर को समय रे संस्कृत आरबी पारसी हिंदी भाषा साहित्यर बहुत प्रसार घटी मन रखिबो एटा गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन आसे जे अकबर को समय रे तांकर राजभाषा कौन थिला तांकर राजभाषा थिला पारसी हैला राजभाषा थिला कौन पारसी तो तांकर दरबार में बहुत पंडित थिले हैला कुहा जाए नवरत्न बोली से मानको तो से मानको मध्यरु मन रख अबुल फजल तांको भितरु जणे थिले किए ना अबुल फजल जे कि अकबरनामा आउ आइन ई अकबरी नामक दुईटी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखिथिले मन रखिबो अबुल फजल लिखिथिले कोनो अकबरनामा आउ आइन ई अकबरी एहाकु से पारसी भाषा रे लिखिथिले। एठी भी प्रश्न आसे अबुल फजल लिखिथिले अकबरनामा आउ आइन ई अकबरी केउ भाषा रे से लिखिथिले ना से पारसी भाषा रे लिखिथिले। तांको समय रे अकबर को समय रे महाभारत आ रामायण को भी पारसी भाषा रे अनुवाद करा जाइथिला। तुलसीदास मन रखिबो तुलसीदास हिंदी रामायण रचना करथिले हिंदी रामायण जो रचना करथिले तुलसीदास ताकु समस्ते रामचरित मानस बोली कहिथांती बा रामचरित मानस नाम रे ताहा परिचित। तानसेन अकबर को दरबार रो जने सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थिले। एठी प्रश्न आसे अकबर को दरबार रे थिबा सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ किए ना तानसेन तापरे 1605 ख्रीष्टाब्द रे अकबर को मृत्यु होई जाइथिला। वर्तमान आमे देखिबा जहांगीर को समय हला केते ना 1605 रु से 1627 पर्यंत शासन करथिले भारत रे। अकबर को शासन उत्तम थिबा जोगु मुगल साम्राज्य सुदृढ़ आउ समृद्धिशाली हो जाइथिला। तेणु अकबर को जी सब उत्तराधिकारी थिले किए उत्तराधिकारी थिले ना जहांगीर थिले तांको परे आसी जिबे शाहजहां शाहजहां को परे औरंगजेब तो सेमानंको आउ शासन करिवारे किछि असुविधा हेउनथिला। सम्राट अकबर को मृत्यु परे तांको पुत्र जहांगीर आग्रा ठारे 1605 ख्रीष्टाब्दरे सिंहासन आरोहण करथिले। एठी प्रश्न आसीबो जहांगीर केबे ओ केउठारे सिंहासन आरोहण करथिले ताले जहांगीर आग्रा ठारे 1605 ख्रीष्टाब्दरे सिंहासन आरोहण करथिले। तापरे 1611 ख्रीष्टाब्दरे 1611 रे जहांगीर नूर जहान को विवाह करथिले। नूर जहान को समस्ते जानंती जे नूर माने तांको विषय रे समस्ते जानंती नूर जहान बहुत सुंदर थिले आ बुद्धिमती थिले तांको रूप गुण आ बुद्धि बल रे से बहुत प्रभावित करथिले काहाकु ना जहांगीर को आउ जहांगीर विलासपूर्ण जीवन जापन करथिले आउ जेते बेले विलासपूर्ण जीवन जापन करथिले से बेले बेले शासन कार्य रे अवहेला करि दउथिले। सेही समय रे नूर जहान शासन कार्य परिचालना करथिले आउ एमिति भी देखा जाइछि जे सरकारी कागजपत्र आउ निर्देशनामा रे भी नूर जहान तांकर दस्तखत करि दउथिले हैला नूर जहान ही दस्तखत करथिले। से समय रे मुद्रा रे जहांगीर को सहित नूर जहान को नाम मध्ये रहुतला ताले टी नूर जहान को इम्पोर्टेंस कौन थिला माने जहांगीर को समय रे तमे जानिचो तमे एथरु जानि परथुबो। जहांगीर बंग देश रे विद्रोह दमन करी मैप रे जदी एमते देखिबा एटी बंग देश रे विद्रोह को दमन करी सेठारे निजरो कर्तृत्व को सुदृढ़ करि पारिथिले। तापर देखिबा मेवार राजा थिले किए ना अमर सिंह मन रखिबा अमर सिंह से जहांगीर को सहित संधि करिकरी तांकर बसता स्वीकार करथिले आउ जहांगीर पंजाब रो पहाड़िया अंचल रे अवस्थित कांगरा दुर्ग को भी अधिकार करथिले। ताले जहांगीर कोन कोन करथिले आमे देखिले दाक्षिणात्यर अहमदनगर राज्य भी तांको अधीन को आसी जाइतला से तांको पितांग भली राजपूत मानक सहित वैवाहिक संपर्क द्वारा बंधुता स्थापन करथिले। एठी पिला मान तुम देखिबो पूरा संपूर्ण वीडियो को शेष पर्यंत पढ़ा जीव देखिबो बाबर हुमायून अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब माने औरंगजेब को छाड़ी देले आउ समस्ते राजपूत मानक सहित प्राय भल संपर्क रखिथिले। आउ जेहेतु माने शेष बेलू को देखिबो धर्म विद्वेष नीति आउ राजपूत मानक सहित शत्रुता करिबा कारणरु ही औरंगजेब को परे औरंगजेब को समय रे ही धीरे धीरे मोगल साम्राज्यर पतन होई आसीथिला। तो इंग्लैंड रो राजा थिले प्रथम जेम्स किए इंग्लैंड रो राजा प्रथम जेम्स तांको दूत रूपे से पठेइथिले काहाकु ना सार टॉमस रो को जहांगीर को दरबार को पठेइथिले। सार टॉमस रो जहांगीर को भेटिले एवं पचारीथिले जे इंग्रज मानक पई वाणिज्य सुविधा किछि मिलिबो कि एटी जहांगीर भी तांको अनुमति देइथिले।
ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଖୁରମ୍, ରାଜକୁମାର କିଏ ଜାଣିଥିବ, ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ରାଜକୁମାର, ତ ରାଜା ମାନେ କିଏ, ସମ୍ରାଟ, ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପୁଅ ଖୁରମ୍ ଶାହାଜାହାନ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଶେଷ ବର୍ଷରେ ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖିବ ସିଂହାସନ ପାଇଁ 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଶାହାଜାହାନ 1627ରୁ 1658 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ଏ ଦେଖ 58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ, ଏଠି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ 1658 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ୟା ପରେ ଦେଖିବ ଜାଣିପାରିବ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଶାହାଜାହାନ, ହେଲା। ଶାହାଜାହାନ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିଏ ନା ଶାହାଜାହାନ, ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1628ରେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବା ପାଇଁକି ଦମନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 1629 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦେଖ 1627ରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ, 1628ରେ ସେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ, 1629ରେ ସେ ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଖାଁ ଜାହାନ ଲୋଦିଙ୍କୁ, ମାନେ ଲୋଦି ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ତାମାନେ। ୟା ପରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବି କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କାନ୍ଦାହାର ଦୁର୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଦେଖ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କାନ୍ଦାହାର ଦୁର୍ଗଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲା। ମ୍ୟାପ୍ରେ ତମକୁ ଦେଖାଇଦେବି କାନ୍ଦାହାର ଦୁର୍ଗ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବ, କାରଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ସେଇଟା ଯିଏ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେଇ କାନ୍ଦାହାର ଦେଇକି ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତ ଶାହାଜାହାନ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ପାରସ୍ୟର ସମ୍ରାଟଙ୍କ କବଳରୁ ଏଇ କାନ୍ଦାହାର ଦୁର୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି କାନ୍ଦାହାର ଦୁର୍ଗକୁ ଅଧିକାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାକୁ ମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ନିଜ କବଳରେ ରଖିପାରିନଥିଲେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ତିନି ଥର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେ ଅହମ୍ମଦନଗରକୁ ହେଠୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବ ବିଜାପୁର ଆଉ ଗୋଲକୁଣ୍ଡାର ସୁଲତାନମାନେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଆଗ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ମ୍ୟାପ୍ରେ ଉତ୍ତର ପଟେ ରହିଛି, ଏଠି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ କାବୁଲ, ଏଠି ରହିଛି କାନ୍ଦାହାର, ଏଠି ଶ୍ରୀନଗର, କାଶ୍ମୀର, ଲାହୋର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ, ପଞ୍ଜାବ, ପାନିପଥ ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଅଛି, ପାନିପଥ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ହିଁ ଏଇପଟେ ଅଛି, ଆଗ୍ରା, ତାପରେ ମଥୁରା, ଅମ୍ବର, ଅଜମେର, ସିନ୍ଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ବରର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ଚିତ୍ତୋର, ଗୁଜୁରାଟ, ରଣଥମ୍ଭୋର, ମାଲୱା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ପାଟନା, ବଙ୍ଗଳା, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ତାପରେ ଏଇଟା ରହିଲା ଗଣ୍ଡୱାନା ଅଞ୍ଚଳ, ତାପରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ବେରାର, ଅହମ୍ମଦନଗର, ବିଜାପୁର, ଗୋଲକୋଣ୍ଡା। ତ ବିଜାପୁର ଆଉ ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ଦକ୍ଷିଣରେ, ବିଜାପୁର ଆଉ ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ତା'ର ସୁଲତାନମାନେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନ ନିଜର ପୁତ୍ର ଔରଙ୍ଗଜେବକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବାଦାର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସୁବାଦାର କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଥା ପଢ଼ିବା ସେଠି ଭଲରେ ବୁଝାଇଦେବି। ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେ କେତୋଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସୁବାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ, ମାନେ ସେଇ ସୁବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟା ବା ପ୍ରଦେଶ ଆମେ କହିବା, ତା'ର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଶାହାଜାହାନ ଔରଙ୍ଗଜେବକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବାଦାର ରୂପେ ରଖିଥିଲେ, ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ମୋଗଲ କଳା ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ବହୁତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗ୍ରାରେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ, ମନେ ରଖ ତାଜମହଲ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ଆଗ୍ରାରେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ନା ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ, ଆଉ ଶାହାଜାହାନ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମମତାଜ ମହଲଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆକୁ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଧଳା ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ତାଜମହଲର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଗ୍ରାର ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ତାଜମହଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଯେ ତାଜମହଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା, ଆଉ ବାହାରୁ ବହୁତ ବିଦେଶରୁ ଲୋକେ ତାଜମହଲ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଭାରତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା କହିଲି। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଶାହାଜାହାନ ଜୁମା ମସଜିଦ, ମୋତି ମସଜିଦ ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଉପଖଣ୍ଡ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଶାହାଜାହାନାବାଦ ନଗରୀ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଶାହାଜାହାନ। ଏଠାରେ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ବା ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଲାଲ କିଲ୍ଲା, କିଲ୍ଲା ମାନେ ଦୁର୍ଗ, ଫୋର୍ଟ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଦୁର୍ଗ, ତ ଏହି ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସୌଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା ମୋତିମହଲ, ହୀରାମହଲ, ରଙ୍ଗମହଲ, ଦେୱାନ ଇ ଖାସ, ଦେୱାନ ଇ ଆମ ଏସବୁ ଥିଲା। ଶେଷରେ 1668 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶାହାଜାହାନ 8 ବର୍ଷ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜୀବନ କଟାଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଦେଖ ସେ 1666ରେ
मृत्युवरण कले किंतु 58 पर्यंत तांकर शासन से करथिले ता माने से जीवित थिबा समय रे ही औरंगजेब सिंहासन आरोहण करथिले। तापर औरंगजेब 1658 रु 1707 पर्यंत शासन करिसेंती। पिता शाहजहान जीवित थिबा अवस्था रे 1658 ख्रीष्टाब्द रे ही औरंगजेब सिंहासन आरोहण करथिले। एबे देखिबा औरंगजेबकर धर्म नीति किपरि थिला। आगरु भी कही औरंगजेब जन नैष्टिक मुसलमान थिले। देख से जेहेतु नैष्टिक मुसलमान थिले से केवल मुसलमान मानको बेसी भल पाउथिले। हला अन्य धर्म ग्रहण करथिबा लोक मानक ऊपर से अत्याचार बेसी करथुले। तो हिंदू मानक प्रति तांकर भारी विद्वेष मनोभाव थिला। आउ हिंदू मानक ऊपर अकबर जो जिजिया कर तीर्थयात्री कर उठाई देथिले ताको पूर्ण आउथरे से बसेथिले। से राजपूत मानक मध्ये भारी हत्यादर करथुले। देख यांक पूर्वज माने राजपूत मानक सहित भलो संपर्क रखिथिले किंतु औरंगजेब राजपूत मानक हत्यादर कले। सिख मानक ऊपर मध्य बहुत अत्याचार करथिले फलर देशरे चारिआडे लोक माने भारी अशांति हेथिले कहा उपरे ना औरंगजेब उपर जार फल स्वरूप कौन है ना जाट सिख सतनामी बुंदेल राजपूत आ मरहटा माने औरंगजेब कर ए जो धर्मांधता जो अंधविश्वास थिला जे मुसलमान माने केवल भलो बोली हिंदू विद्वेष नीति या पाई ही से विरोध माने विद्रोह करथिले। समस्ते मिसिकिरी विद्रोह करथिले। देखो एत्ते सब विद्रोह कला पोरे भी से केतेक विद्रोह को देखो दमन करथिले आउ राज्य जय मध्य करथिले। औरंगजेब आसाम आउ कुचबिहार को जय करथिले। भारतर उत्तर पश्चिमांचल रे जदि मैप रे आमे देखिबा एई पटटा हेबो उत्तर पश्चिमांचल एमते जदि इंडिया मैप रे देखिबा उत्तर पश्चिमांचल तो उत्तर पश्चिमांचल रे वास करथुबा पहाड़िया जाति मानक विद्रोह को भी से दमन करथिले। सीमांत रे शांति प्रतिष्ठा सीमार अंत अर्थात तांको साम्राज्य सहित लागिकिरे रहितबा अन्य जो अंचल गुडिक सीमा गुडिक से सीमांत भी से शांति स्थापन करने को चेष्टा करते। से मथुरार जाट आउ पंजाबर सतनामी मानक विद्रोह को दृढ़ हस्तरे दमन करते। मेवार राजा जय सिंह औरंगजेब संधि करते किंतु देख मेवार राजा संधि करदे देखिले औरंगजेब को पारि तेणुक मेवार राजा संधि कले किंतु दुर्गादास नेतृत्व ने आउ से मारवाड़ राजपूत मैंने औरंगजेब सहित भारी वीरत्वर सहित वीरत्वर सहित लड़ीते आधीनता स्वीकार कर आरंभ ही राजपूत मैंने भारी साहसी थे आीर थे। औरंगजेब सिख मानक जी नवम गुरु थे क्या ना तेग बहादुर को इस्लाम धर्म ग्रहण करने को बाध्य कले किंतु तेग बहादुर जिते इस्लाम धर्म ग्रहण करेंगे ना बोली मना कले से कौन कले हत्या करदे। देख नवम गुरु तेग बहादुर थे पुत्र आसीगले किए ना गोविंद सिंह जी कि दशम गुरु हेले तो पिता हत्यार प्रतिशोध नेबापी से औरंगजेब विरोध में संग्राम चलेले। शिवाजी जहाँ को आम कही था छत्रपति शिवाजी तो शिवाजी नेतृत्व में मरहटा मैंने दाक्षिणात्य क्रमशः कौन कले ना क्षमता विस्तार कर चलिए। किंतु मन रख अहमदनगर दक्षिण में मैप्रे देखीजे गोलकोंडा आ बीजापुर ताकू जय करते किए ना औरंगजेब आ मोगल साम्राज्य को बढ़ाई थे। तो भारतर पूर्व आ पश्चिम उपकूल जदि मैप्रे एमती देखा एपटे रही कौन आरब सगर एपटे रही बे अफ बेंगल तो ये उपकूल एरिया गुड़िक वाणिज्य कारबार बंदर थी सुविधा होता तेणुक पूर्व आ पश्चिम उपकूल को औरंगजेब पर्तुगीज और इंग्रेज मानक उपद्रव रु रक्षा करते। से पर्तुगीज मानक जलदस्यु कौन से मैंने लुटेरा टाइप कौन करुले अगर जहाज को लुट करुले तो पर्तुगीज जलदस्यु मान जबत करी चट्टग्राम को अधिकार करते आउ इंग्रेज जलदस्यु मानक से दमन करके 150,000 टंका जोरीमाना करते इंग्रेज मानक आउ पर्तुगीज मानक पर्तुगीज जलदस्यु मानक ठारु चट्टग्राम को अधिकार करदे। औरंगजेब 1707 ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करते। से जड़े संजवी आउ कर्तव्यपरायण राजा थे अन्य मोगल सम्राट मानक भली जीवन विलासमय हो कि मानने सरल निराडम्बर थिला माने अन्य मानक भरी सरल आ निराडम्बर थिला बोली भाविबा नाही माने से कौन करथिले भारी कर्तव्यपरायण थिले हला से विलासपूर्ण जीवन जापन करू नथिले। एबे देखिबा मोगल शासक मानकर अन्य शासक मानक सहित केंतिया संपर्क थिला। मोगल माने अत्यंत क्षमताशाली थिले तो भारतर जे राजा बसता स्वीकार करू नथिले तांकर बसता स्वीकार जो राजा माने करू नथिले तांकर विरुद्ध रे से माने युद्ध करूथिले किंतु अनेक शासक से मानक सह संधि करबा पई कि आगे आसुथिले का सहित
मोगल मानक सहित तो से राजपूत मान प्रथम थे अनेक राजपूत राजा से कन्या को भी मोगल परिवार रे विवाह करते आम देखीचे किसी ना फिल्म रे तुम देखि अकबर जोधा भाई को विवाह करते तो हिंदू मानक सहित राजपूत मानक सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन करते से आउ विवाह करई मोगल दरबार में उच्च पदवी रे भी से रखौले से मन रख जहांगीर का माता अंबर वर्तमान ना हूँ जयपुर तांकर शासक राजपूत कन्या थिले आउ शाहजहां का माता राठौर राजकुमारी थिले जे कि मारवाड़ बा जोधपुर शासक थिले सिसोदिय राजपूत माने ये गोटे प्रकार राजपूत सिसोदिय राजपूत माने मोगल शासकों वशता स्वीकार करने मना करदे आ मोगल माने से पराजित करते मात्र से माने उपयुक्त सम्मान दे कि जमी को पुणी फेरे तो शत्रु माने पराजित होला भी मोगल माने बेसी अत्याचार करू असम्मानित करू सम्मान सहित माने सम्मान दे फल अनेक राजपूत राजा मानक मोगल शासक मैंने प्रभाव विस्तार करिवारे अत्यंत सुविधा होता तो औरंगजेब शासक थिबा समय रे शिवाजी को अपमानित करने द्वारा तार कुप्रभाव मोगल साम्राज्य उपरे पड़ा और शिवाजी को से बहुत अपमानित करते किए ना औरंगजेब जहाँफल कि साम्राज्य हरवाक भी पड़ा आकबर समय आम पढ़ीचे शासन कथा तथापि देखीदा आउ थे मोगल मान शासन केमितिया थिला मोगल माने भारत में केवल विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा करते नुहे से माने सुशासन भी करुले है सुशासन प्रतिष्ठा करते तो ये सुशासन पाई आम मोगल सम्राट आकबर को इतिहास सब बेले मन रखी था तो आकबर शासन नीति थी केन्द्रीय राजतंत्र केन्द्र में किए रे राजा मुख्य आउ राजा द्वारा ही शासन होगा तो राजा थिले शासन सर्वोच्चकर्ता शासन सर्वोच्चकर्ता किए थिले ना राजा सैन्य से राजा ही सैन्य बाहन मुख्य आउ सर्वोच्च न्यायाधीश थिले शासन रे शासन कला बेले परामर्श देवाई सम्राट पाखे राजा पाखे गोटे मंत्री परिषद रोला आउ किसी कर्मचारी भी रोते जो मैंने कि शासन कार्य करेंगे क्या ना राजा को परामर्श दौले आज्ञा हाँ यहाँ कले ठीक है कले भूल हे बोलिकी तो शासन सुपरिचालना आकबर तर साम्राज्य को 15 सुबारे प्रदेश में विभक्त करते तो प्रत्येक सुबा को कौन करुले ना जड़े जड़े सुबादार शासन करुले निकटने अनेक निम्न पदस्थ कर्मचारी भी रोते तो प्रत्येक सुबा केतेक सरकार व जिले में विभक्त होता है सुबागुड़ी कौन विभक्त होता जिले में सरकार विभक्त होता तो ये जिलार शासन कार्य मुख्यतः 4 कर्मचारी न्यस्त थिला प्रत्येक सरकार केतेक प्रगणा विभक्त होता सरकार बा जो जिला केतेटा प्रगणा विभक्त होता ये प्रगणा कौन ना केते गुड़िए ग्राम को लेकिन प्रगणा गठित होता तो सामरिक शासन बा मनसबदारी प्रथा से आकबर प्रचलन करते या पूर्व पढ़ीचे मनसबदारी कौन ना जड़े जड़े अधिकारी कर्मकर्ता रोते कार्य करने मुख्य जड़े रोते मनसबदारी तांको अंडर रे किसी 5,000-10,000 सैन्य रोते ताने ये से सैन्य बाहन को भी शक्तिशाली करते देखो आम पढ़ी आकबर समय रे हिंदू मान तीर्थजात्री आउ जिजिया कर उठाई देते कि मन रख औरंगजेब यही कर को पुणी आउ थे हिंदू मान बसईले तीर्थजात्री आउ जिजिया कर को तो भू राजस्व देशर सर्वश्रेष्ठ आय थिला तो भू राजस्वरु ही बेसी आय करूला किए ना देश तो उत्पादन जी उत्पादन करुले लोक मैंने तार 1/3 से भू राजस्व आकार रे राजदरबार को देउथिले आउ गोटे इम्पोर्टाट मानते बहुत इंटरेस्टिंग जिनस आकबर कौन करते ना विचार व्यवस्था बहुत उन्नत धरण थिला बहुत भल विचार व्यवस्था करुले समस्त कि ठीक भाव में कमी न्याय दिजो से व्यवस्था करते हिंदू मानक से हिंदू विचारपति निजुक्ति करते तुम्हें जाच कि पे मैंने आकबर आउ जहांगीर को शासन काल में धनी गरीब क्षमताशाली आउ दुर्बल श्रेणी लोक मैंने सामान न्याय पाते एवं देख मोगल शासक मान धर्म नीति केमिति तो मोगल सम्राट मैंने इस्लाम धर्मावलंबी थे किंतु देख केवल औरंगजेब को बाद दे अन्य समस्त मुसलमान शासक मैंने अत्यंत उदार थे मैंने अन्य धर्म ग्रहण कर लोक मानक बेस अत्याचार करू नथिले केवल औरंगजेब को छाड़देले औरंगजेब किंतु अन्य धर्म प्रति सहनशील नथिले तो प्राचीन कालर भारत में देखाई जो धर्म भावना प्रति मानते पुराणा भारत में जो धर्म थिला ता प्रति से माने सम्मान जनाउथिले यही समय रे भारत रे शैव धर्म वैष्णव धर्म शिख धर्म इस्लाम धर्म ख्रीस्टियन धर्म जैन धर्म और जोराष्ट्र धर्म मध्य प्रचलित थिला फल समस्त धर्मावलंबी मध्य भल संपर्क सुसंपर्क थिला
तो मुगल सम्राट माने सम्राट मानक मध्यरे महानुभव थिले किए ना अकबर जी कि दीन ई इलाही धर्म थिला सबुठ गोटे श्रेष्ठ कृति माने एटा हिंदू मुसलमान धर्मर मिश्रण रे स्वर्गीय विश्वास बोलिया को कहा जाउला किंतु अकबर क्या बाध्य करूनथिले धर्म ग्रहण करने प्रत्येक धर्म मध्य प्रीति स्थापना कर सर्वभारतीय जाति गठन करवा अकबर उद्देश्य था। अकबर हिंदू मानू घृण्य तीर्थजात्री और जिजिया कर उठे देते सबु मानने जना पड़ू हिंदू मान प्रति से सम्मान करुले धर्म धार्मिक विश्वास जहाँ थी ता प्रति से सम्मान जनाऊ सबु धर्मर लोक सामान सुविधा सुजोग से देते मात्र केवल औरंगजेब शासन समय हिंदू मान को कौन उच्च पदस्थ पदवी से निजुक्ति दिगला औरंगजेब को हिंदू विरोध नीति जो भी मोगल साम्राज्य पतन आड़क जाता कह जाए तो मोगल शासन समय लोक मान सामाजिक आउ आर्थिक अर्थनीतिक अवस्था केमितिया थिला मोगल शासन काल रे सम्राट ही समाजर प्रथम नागरिक थिले समाजर प्रथम नागरिक किए थिले सम्राट आउ सम्राट कर स्त्री हेरुचंदी किए साम्राज्ञी साम्राज्ञी थिले समाजर प्रथम महिला तो सही मोगल शासन समय रे तत्कालीन माने सही समय रे मुसलमान समाज चारि श्रेणी रे विभक्त होता एक रे सम्राट तापर है संभ्रांत श्रेणी मध्यवित्त श्रेणी आ गोटे सर्वनिम्न श्रेणी संभ्रांत श्रेणी लोक मैंने विलास जीवन अतिवाहित करुले मध्यवित्त श्रेणी जो मैंने रही से व्यवसायी लेखक वैद्य कलाकार इत्यादि थे आउ सर्वनिम्न श्रेणी जो मैंने रही कृषक बणिक श्रमिक सुनारी से अवस्था टी शोचनीय भारी थी आउ सुल्तानी शासन पर मोगल शासन काल समाज में दासत्व प्रथा रही तो मुसलमान माने भोजन रे कौन कौन सब खाऊ मन भितर प्रश्न हो तो मुसलमान माने कौन कौन खाऊ से भात रुटी विभिन्न प्रकार मांस खाऊ प्रिय खाद्य थिला बिरयानी आउ कचम्बर वर्तमान आम हिंदू माने समस्ते यहाँ खाऊ बहुत लोकंर प्रिय से प्रिय खाद्य थिला बिरयानी आउ कचम्बर सेओ अंगूर डालिंब आदि फल खाइबा सह रंगीन शरबत से माने पानी आकार रे ग्रहण करुथिले आउ हिंदू मानकर प्रिय खाद्य थिला कौन ना खिचुड़ी किंतु मन रख उत्तर भारत में कौन होता गहम बेसी चाष होता तो आ मक्का भी होता तो उत्तर भारत में हिंदू माने रुटी प्रिय रुटी खाऊ बेसी आ पर्वपर्वाणी में हिंदू माने पूरी लुची खीरी आदि प्रस्तुत कर खाऊ तो मुगल शासक माने कौन ना दामी पोशाक परिधान करुले मुसलमान रमणी माने स्त्री लोक मैंने सालुआर आउ कुर्ता पिंधुले से कजल ये महिला मैंने कजल अतर गोलाप रंजक नखरंजक मेहंदी आदि सब प्रसाधन सामग्री व्यवहार करुले संभ्रांत माने टिके उच्च श्रेणी जो हिंदू माने थिले से माने मूल्यवान पोशाक परिधान करुले देख गरीब श्रेणी मूल्यवान पोशाक पिंधि पारे ना से तो साधारण जनता मोटा सूतार बुणाई पोशाक पिंधुले आ मुंडे पगड़ी भी पिंधुले नारी मैंने कजल सिंदूर अतर नखरंजक ये सब लगे तो से प्राय देख कहुए मेहंदीटा है मुसलमान मैंने लगे तेणुक लग जाए कि भूल कथा से लगे आउ हिंदू माने शरीर रे स्थाने स्थाने चित्ता कुटाऊ पुरुणा कालिया लोक देखि थिबो केते जण आदिवासी श्रेणी रो प्रायतः सब चित्ता कुटाऊ पुरुणा महिला माने बहुत जेजेमा माने देखिबो से माने सब कुटे थांती देहरे तो मोगल जुगर सम्राट आउ संभ्रांत माने मनोरंजन करुथिले हला एंटरटेनमेंट करुथिले केमिति ना नौबिहार शिकार खंडा युद्ध घोड़ा दौड़ तीरचाड़ना यह सब अवसर विनोदन करुथिले आउ साधारण मुसलमान माने ये हला मोगल जुगर सम्राट आउ संभ्रांत माने एटा करुथिले आउ जो माने साधारण वर्गर लोक थिले से माने शतरंज खेलुथिले गुड़ी उड़ेबा पारा उड़ा कुकुड़ा लड़ई यही सब खेल रे खेल करिकरी अवसर विनोदन करुथिले एही समय रे हिंदू माने मल्ल युद्ध कुस्ती शिकार आदि माध्यम रे अवसर विनोदन करुथिले एठी प्रश्न आसीबो हिंदू सम्राट आउ संभ्रांत माने केमिति अवसर विनोदन करुथिले आउ साधारण मुसलमान माने किपरी अवसर विनोदन करुथिले हिंदू माने किपरी अवसर विनोदन करुथिले मोगल शासन समय रे या सहित मन रख पशापाली वाद्यजंत्र रामलीला कृष्णलीला जादू खेल यही सब देखिकी भी अवसर विनोदन करुले मुसलमान माने महरम ईद पर्व पालन करुले आउ हिंदू माने जन्म उत्सव माने जन्मदिन पालन करुले नामकरण मुंडन कर्म रक्षाबंधन जन्माष्टमी दीपावली शिवरात्रि रामनवमी पर्व यही सब पर्वपर्वाणी से पालन करुले तो मोगल जुगरे मुसलमान माने विद्यालय शिक्षा समापन करी मद्रासे अध्ययन करुले आउ हिंदू माने प्राथमिक विद्यालय बा टोल टोल रे से माने संस्कृत शिखुते प्राथमिक विद्यालय बा टोल विद्यालाभ करी उच्च शिक्षा पाई शिक्षा केन्द्र को जाऊ
से ही समय साहित्य कला और स्थापत्यर भी विकास होता तो मोगल राजत्व काल में पारसी आरबी उर्दू हिंदी भाषा और साहित्य विशेष उन्नति साधित होता और मोगल दरबार में अनेक कवि साहित्यिक और ऐतिहासिक भी रोते आकबर निजे निरक्षर थिले निजे अक्षर शिखी नथिले किंतु साहित्य प्रति तांकर भारी अनुराग थिला। बाबर हुमायून जहांगीर औरंगजेब निजर आत्मचरित भी से लिखिछंती निजे निजे किछि लिखिछंती तो मुगल युगर साहित्य को सेमाने परिपृष्ट करिछंती लेखिकी कबीर आउ तुलसीदास भी ग्रंथ लिखिछंती या पूर्व आम पढ़ले रामचरित मानस कथा पढ़ते एटि इम्पोर्टाट आ गोटे मन रख कवि थिले किए ना सुरदास अंधकवि बोली कहा जाए अंधकवि सुरदास सुरसागर रचना करथिले तापरे रसखा भक्ति गीत गुड़िक माध्यम गोटे प्रेम वाटिका लिखिथिले अनेक प्राचीन हिंदू ग्रंथ पारसी भाषा भी अनुवाद करा जायथिला साहित्य माध्यम हिंदू आउ इस्लाम संस्कृतिर समन्वय एटि घटिथिला। तले मुगल समय कला और स्थापत्य आम देखा मुगल युगर कला स्थापत्य केवल भारत में नुहे सारा विश्व में भी मानने लोक मान भारी प्रिय भारत को साधारणतः तो देखिए बहुत बुलवाक आसती यही मुगल मानकर कला स्थापत्य को सब देखापी तो शाहजहां पृष्ठपोषकत या ताजमहल होता जहाँकि सप्ताश्चर्य आम पढ़ीचे आग्रार जमुना नदी कूल या शाहजहां राजत्व काल में मोगल कला स्थापत्यर सुवर्ण युग रूपे प्रसिद्ध है सुवर्ण युग क्या समय ना शाहजहां समय तो मोगल सम्राट मैंने अजस्र अर्थ व्यय करके कारुकार्यपूर्ण मनोरम राजप्रासाद दुर्ग और मस्जिद समाधि सौध आदि सब तैयारी करुले तो आकबर समय आग्रा दुर्ग फतेहपुर सिक्री ये सब राजप्रासाद आदि लाल पथर में निर्मित होता क्या समय आकबर समय लाल पथर से या आकबर समय लाल पथर से या कि शाहजहां समय मार्बल पथर से पथर व्यवहार करा जमुना नदी कूल ताजमहल शाहजहां अद्वितीय कीर्ति अद्वितीय कहीं कह जाए कारण से भाई ताजमहल आते सुंदर ताजमहल आई अन्न्य कीर्ति गुड़िकर मोती मस्जिद लाल किला आउ जुमा मस्जिद भी प्रसिद्ध तो यही सब माने कीर्ति गुड़िक जो सब गुड़ाक पढ़ले कला स्थापत्य यही सब कीर्ति इस्लाम आउ भारत कला शैली निर्मित होता भारतीय कला शैली दुईटाक मिक्सअप होतद व्यतीत तो हीरा मणि मुक्ता खचित विश्वविख्यात मयूर सिंहासन शाहजहां निर्माण कराइले शाहजहां समय चित्रकलार भी विकास देख जहाँ सरी जहांगीर समय चित्रकलार विकास होता है ये प्रश्न आसे क्या समय चित्रकलार विकास होता जहांगीर समय तो जहांगीर सार टमासरों संस्पर्श से आसिकी यूरोप्र यूरोपीय चित्रकला प्रति भी आकृष्ट होते मन अच्छे प्रथम जेम्स दूत पठाई सार टमासर को तो बिशन दास ये आउ गोटे क्वेश्चन आरइज हुए जे बिशन दास जहांगीर दरबार में श्रेष्ठ चित्रकर थे जहांगीर दरबार में श्रेष्ठ चित्रकर किए थे ना बिशन दास आम यही विषय कौन जाणिले ना तुगलक वंशर पतन पर भारत में सुल्तानी शासन दुर्बल होगला बाबर प्रथम पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कले जाकि भारत में मुगल साम्राज्य मूलदुआ पड़ा सुदृढ़ नुहे मैंने मूलदुआ पड़ा प्रथम बाबरों पर मोगल सम्राट हुमायून आकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब दिल्ली सिंहासन में बसिक भारत को शासन करते मोगल शासक मान आकबर सर्वश्रेष्ठ थे आकबर सबु धर्म सारकथा को लेकिन गोटे दीन इलाही नाम गोटे नूतन धर्म सृष्टि करते शाहजहां ताजमहल या मुगल सम्राट माने अनेक गुड़िया मस्जिद आउ दुर्ग भी या सुशासन मुगल सम्राट आकबर विभिन्न प्रकार व्यवस्था करते मुगल शासन समय को कला आउ स्थापत्यर सुवर्ण युग बोली कहा जाए।